वेलकम टू माय प्रथम गुरु चैनल। आज हम लोग क्लास टेंथ के होम साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उसका इस बार जो पैटर्न है यहाँ पर देख सकते हैं, फुल मार्क्स, पूर्णांक 70 मार्क्स है का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें से जो सवाल रहेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 47 है। 47 में जो क्वेश्चन रहेंगे 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 26 से 33 तक अति लघु त्रि प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न इसमें कितने मार्क्स रहेंगे, वो हो आपका 2 मार्क्स रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। अब यहाँ प्रश्न संख्या 34 से 41 तक लघु त्रि प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से 47 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। चलिए अब हम लोग 1 से 25 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। पहला सवाल है सिरका क्या है। सिरका अम्लीय पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन देखिए यहाँ से क्या दिया है, असमर्थता किसके कारण हो सकती है, जन्म से पूर्व, जन्म के समय से, या जन्म के बाद से, या इनमें सभी। देखिए असमर्थता इस इनमें से सभी के कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार का होता है। चेक 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, कौन विधि है, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, इनमें सभी। तो भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने का यह सभी विधि है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है। ऑप्शन यहाँ पर अच्छी तरह देखिए, कौन जिम्मेवार होगा फलों को पकने के लिए, एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से करना चाहिए, जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन के बाद से, जन्म के 2 दिन बाद से, या जन्म के 3 दिन बाद से। तो जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुअवस्था कितने वर्ष की होती है। शिशुअवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय क्रोध व प्यार बच्चों के लक्षण है, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगात्मक, इसमें कौन सा आंसर होगा। बोलता है भय क्रोध व प्यार बच्चों के लक्षण है, वो है संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देख क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, किस पर व्यय करते हैं? आरामदायक वस्तुओं पर, इस पर ज़्यादा वो खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? वह 300 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि से अभिप्राय है, वृद्धि से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? संख्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम माह में शिशु की हृदय की धड़कन एक मिनट में कितनी बार धड़कती है? 120 से 140 बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की कितनी धाराएं हैं? संगीत की 3 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, खेल की यह परिभाषा किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? वो है अस्टर्न, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 16। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राणिज कार्बोज इनमें से किसे कहते हैं? प्राणिज कार्बोज किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18, किस रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है? एनीमिया, एनीमिया रोग होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? क्या है? केसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परिवार के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वह एज के आधार पर होता है, उसको एज के आधार पर ऊर्जा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार आयोजन बनाने से होती है, क्या होती है? आहार आयोजन बनाने से धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है, इनमें सभी की बचत होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अविकारी भोज्य पदार्थ है, अविकारी भोज्य पदार्थ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लिए, चावल है, मक्का है, दालें हैं, इनमें सभी, तो क्या होगा? ये सभी क्या है? अविकारी भोज्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 की ओर चलते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे लिए किस प्रकार का बजट सबसे उपयुक्त होता है? हमारे लिए किस प्रकार का बजट सबसे उपयुक्त होता है? बचत का बजट हमारे लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, घरेलू हिसाब किताब लिखने की कौन सी मुख्य विधियाँ है? पृष्ठ विधि है, लिफाफा विधि है, नोट विधि है, ये सभी विधि है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थैंक यू बच्चे, और इसके बाद जो है यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन
दिया गया है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बाद में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए।